नगर निगम के उप महापौर राजीव कौड़ा ने बताया कि सोलन के माल रोड पर एबीवीपी द्वारा वॉल राइटिंग की गई थी, जिसके चलते वहां की सुंदरता को धूमिल किया गया था, जिसको लेकर उन्हें शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। इसलिए अब नगर निगम द्वारा अधिकारियों को इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर छात्र संगठन इसमें दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संगठन शहर की सुंदरता को ग्रहण न लगा सके। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा सुंदर ऐतिहासिक कलाकृतियां यहां बनाई गई थी, जिस पर शहरवासी और NSUI के द्वारा ABBP के द्वारा की गई वॉल राइटिंग पर आपत्ति दर्ज की गई थी। NSUI का आरोप था कि शहर की सुंदरता को वॉल राइटिंग द्वारा खराब किया जा रहा है। इसको लेकर NSUI ने जिला प्रशासन और नगर निगम को शिकायत पत्र भी सौंपा था। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी पिछले दिनों हमारे संज्ञान में आया कि एक छात्र संगठन द्वारा माल रोड पर जो है वॉल राइटिंग की गई है गर्ल्स स्कूल की दीवार पर। मैं बताना चाहता हूँ कि MC के माध्यम से जब वो ठोडों के वहाँ दृश्य बनाए गए थे और उनको पेंटिंग की गई थी, ये बहुत समय बाद एक ऐसा समय आया था कि माल रोड की खूबसूरती को बनाने के लिए काफ़ी समय के बाद जो वहाँ पे पेंट हुआ था और ठोडा नृत्य के वहाँ पे जो है दृश्य लगाए गए थे। तो पिछले दिनों ये देखने में आया कि जगह वहाँ वॉल राइटिंग हुई है या अन्य किसी स्थानों पर किसी भी छात्र संगठन या कोई भी अन्य संस्था वॉल राइटिंग करती है, तो शहर आपका है, आप उसकी खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। मैं ऐसे तत्वों से निवेदन करता हूँ कि आप शहर की खूबसूरती को खराब ना करें, और जहाँ लोगों ने ऐसे ही कोई काम किए हैं हम उन पर कड़ा संज्ञान लेंगे। हमने अभी SDO साहब को कहा है, इसकी रिपोर्ट तैयार करके हमारे को पेश करेंगे। हम इस मुद्दे पे जो भी उचित कार्रवाई बनती होगी, जिस किसी के खिलाफ भी, वो की जाएगी। वॉल राइटिंग, जहाँ तक मुझे ये ध्यान है, वॉल राइटिंग काफ़ी समय पहले ये चीज़ें बंद हो गई थी। ये एक छात्र संगठन पहले किया करते थे छात्र राजनीति के दौरान, उस समय ये देखा जाता वॉल राइटिंग जगह जगह होती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था कि वॉल राइटिंग ना की जाए, क्योंकि इससे जो है शहर की और गली मोहल्लों की खूबसूरती खराब होती थी। जहाँ मन किया वहाँ अपने रात को लिख दिया, सुबह लोगों को पता लगता था कि यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके पश्चात जो है ये छात्र राजनीति के चुनाव भी बंद हो गए, तो ऐसे चीज़ें हुई भी नहीं है। ये घटना क्यों घटी है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। ये पहला मेरे जो संज्ञान में आया है, ये पहला केस है वॉल राइटिंग का अभी।